हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं काजल और स्वागत करती हूं आपका अपने नॉलेज गुरु काजल चैनल में। तो अगर आप यूपी ट्रिपल एसएससी लेखपाल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेखपाल की भर्ती के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो आप जो है सही चैनल पर पहुंचे हैं। आपको आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपी ट्रिपल एसएससी लेखपाल की वैकेंसी को फिलअप करने से पहले, मीन्स उसकी फॉर्म को फिलअप करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या योग्यता है, कितनी सैलरी होती है, क्या उसमें ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और यदि आएगी तो यूपी ट्रिपल एसएससी लेखपाल की जो है ना कितने की वैकेंसी आएगी। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी लेखपाल की एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी कितनी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज गाइस अलग अलग फ़ी होती है। अगर हम बात करें जनरल या ओबीसी की तो वो होती है 185, और यदि बात कर लें एसटी और एससी की तो होती है 95, और यदि पीएच वालों की बात कर लें तो वो होती है 25। चलिए नीचे आते हैं। अगर बात कर लें लेखपाल के सिलेबस के बारे में तो गाइस इसमें जो है ना चार बुक होती है। एक आपकी जनरल हिंदी, मैथमेटिक्स जनरल नॉलेज, और एक होती है आपकी रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी। जनरल हिंदी में 40 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और ये 20 मार्क्स होते हैं। इसमें ये होता है आपका 40 नंबर के क्वेश्चन और 20 मार्क्स, ये होता है आपका 40 नंबर का पेपर और ये भी 20 मार्क्स, ये भी 40 नंबर का, ये भी 20 मार्क्स, यानी कि टोटल जो होता है वो आपके क्वेश्चन होते हैं गाइज 160, और मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं आपके टोटल 80। गाइज अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपकी जो है एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो अगर बात करें एज लिमिट की तो देखिए यहाँ पे सिंपली लिख रहा है द एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट इज 18 इयर्स टू 40 इयर्स। मीन्स इस फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए गाइज आपकी 18, और मैक्सिमम जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 40। तो इस बीच आपकी उम्र होनी चाहिए तो आप जो है अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और देखिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है तो आपकी जो है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख रहा है सिंपली इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट यूपी और एनी एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट टू। मीन्स कहने का मीन्स यहाँ पर ये है कि आप जो है यूपी बोर्ड से हो तो आप जो है इंटरमीडिएट तो गाइज होने ही चाहिए, मीन्स 12th पास आप होने चाहिए हो, तो आप इस फॉर्म को जो है इजीली से जो है ना फिलअप कर सकते हो। ठीक है गाइज, चलिए अब आगे के पे स्केल के बारे में इसकी बात कर लेते हैं। तो पे स्केल जो होता है गाइज वो इसका देखिए कुछ इस हिसाब से होता है 21,700 से लेकर यहाँ पे 69,100 तक इसका ग्रेड पे होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, देखिए ये रहा। ठीक है, अब बात कर लें अगर हम लेखपाल की वैकेंसी के बारे में तो हम आपको पहले ही बता देना चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है जो हम आपको बताएं। ये जो न्यूज़ है ये आई है, जो कि गाइस आपके एक न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आई है। तो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, अनुमान के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि क्या कितनी वैकेंसी आपकी जो है ना निकल सकती है, क्योंकि अलग अलग चैनल पर अलग अलग फेक न्यूज़ दी जाती है जिससे आप लोग जो है डीमोटिवेट हो जाते हो और आपका जो है ना चैनलों से भी भरोसा ख़त्म हो जाता है। तो ये यूपी लेखपाल की जो है वैकेंसी काफ़ी टाइम से रुकी हुई है जो कि अभी तक नहीं आई है। तो यहाँ पर एक न्यूज़ के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आपकी जो यूपी लेखपाल की वैकेंसी जो आएगी आपकी 2020 में तो गाइज आ सकती है। देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट भी लिख रहा है कि 2019 की थी जो कि कैंसिल हो गई। इसमें बताया गया था कि आपकी जो है ना गाइज 6,000 की वैकेंसी आएगी जब भी आएगी, क्योंकि गाइज आपकी चकबंदी लेखपाल और जो ये आपका राजस्व लेखपाल है इन दोनों की वैकेंसी गाइस एक साथ आएगी, इसलिए आपकी जो है वैकेंसी आने में जो है हो रहा है लेट। तो गाइस अब बात कर लेते हैं आपकी इसमें जो है, जैसे कि आपको थोड़ा प्रोसीजर तो पता ही है। इसमें गाइस आपका एक होगा रिटर्न एग्ज़ाम, जी हाँ रिटर्न एग्ज़ाम होगा, और रिटर्न एग्ज़ाम में पास होने के बाद ही आपको ये इंटरव्यू के लिए जो है फाइनल सेलेक्टेड किया जाएगा। गाइस बात करें
अगर इसमें की ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मान्य होगा या नहीं होगा, तो इस बारे में जो है आयोग की तरफ से अभी कुछ बात जो है क्लियर नहीं हो पाई है। मीन्स आपके जो है राजस्व लेखपाल या यूपी लेखपाल के द्वारा दो बात निकाली गई होती हैं, दो भर्तियों को ये जो है ना निकालता है, जैसे कि आपका चकबंदी लेखपाल है, एक होता है आपका राजस्व लेखपाल, ये दो होती है ना। तो राजस्व लेखपाल में तो गाइस ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मान्य 100% होता है, क्योंकि वो कंप्यूटर बेस्ड काम होता है, तो उसमें तो जरूर मांगते हैं। लेकिन अगर आप बात करें आपकी चकबंदी लेखपाल की, तो चकबंदी लेखपाल में अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि इसमें ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मान्य भी होगा या नहीं। ये बात अभी भी यस और नो में बनी हुई है गाइज। हो सकता है इसमें आपका ओ लेवल का भी सर्टिफिकेट मान्य हो जाए। तो अगर आपको ट्रिपल सी के से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि हमारे इस चैनल पर ट्रिपल सी से रिलेटेड फॉर्म फिलअप करना या फिर जो भी क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड जो है सब इस पर ही चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको तैयारी करनी है ट्रिपल सी की, तो आप हमारे इस चैनल से भी कर सकते हैं। तो ये थी वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।